हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम लोगों ने अपने चैनल पर एक नई पहल की है। हम लोग अभी तक जो भी चीजें पढ़ते थे वो हमारे यूज आती थी, लेकिन अगर हम लोग आज अपने इस वीडियो को प्रॉपर देखते हैं और इसमें से कुछ सीखते हैं तो हम लोग पा सकते हैं इसमें से एक सर्टिफिकेट। जी, अगर हम लोग इस वीडियो को सही तरीके से सीखते हैं, देखते हैं और इसमें दिए गए सवालों का जवाब सही तरीके से देते हैं तो हम लोग इसमें एक सर्टिफिकेट पा सकते हैं। हम खुद भी, हमारे फ्रेंड्स भी, हमारे साथ हमारी फैमिली भी, जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है, अगर वो चाहते हैं कि हमें भी एक सर्टिफिकेट मिले तो हम लोगों को इस वीडियो को सही तरीके से देखना है और देखने के बाद इसमें दिए गए सवालों को सही तरीके से सॉल्व करके इसमें कमेंट करना है अपने नाम और अपनी जीमेल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। नंबर ऑफ सिस्टम, ये चार टाइप के होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर निकालने के लिए आपको अपनी वैल्यू को दो से भाग करना होता है और जो भागफल आता है उसको फिर दो से भाग करना होता है। जब तक जीरो नहीं आ जाता फिर सारे शेषफल को उल्टे क्रम से रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल 78 डिवाइड बाई 2 आंसर आता है 39, फिर 39 डिवाइड बाई 2 19 डिवाइड बाई 2 9, 9 डिवाइड बाय 2 यानी कि 4, 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 और 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 1 और 1 डिवाइड बाय 1 यानी कि 0। हमारा आंसर आता है 100110। ऑक्टल नंबर निकालने के लिए आपको अपनी वैल्यू को 8 से भाग करना होता है और जो भागफल आता है फिर उसे 8 से भाग करते हैं जब तक 0 नहीं आ जाता, फिर सारे शेषफल को उल्टे क्रम में लिखते हैं। जैसे 78 डिवाइड बाई 8 यानी कि 9, रिमाइंडर है 6, 9 डिवाइड बाई 8 यानी कि 1, रिमाइंडर है 1, 8 डिवाइड बाई 1 यानी कि 0, रिमाइंडर है 1 यानी आंसर आया 116। हेक्साडेसिमल नंबर निकालने के लिए आपको अपनी वैल्यू को 16 से भाग करना होता है और जो भागफल आता है उसे फिर 16 से भाग करते हैं। जब तक 0 नहीं आ जाता इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं और सारे आंसर को उल्टे क्रम में लिखते हैं। जैसे 78 डिवाइड बाई 16, रिमाइंडर ई आता है यानी कि 14, 4 डिवाइड बाई 16 यानी कि 0, ई 4। अब अगर आप इस टेस्ट में पास होना और फिर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो इस 94 नंबर के बाइनरी ऑक्टल हेक्सा को सॉल्व करके कमेंट में अपने नाम, जीमेल के साथ अपना जवाब भेजें। धन्यवाद।